निशानियाँ एक के बाद एक जाहिर हो रही हैं। जितनी भी निशानियाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाई सिवाय बड़ी बड़ी निशानियों के तकरीबन सब जाहिर हो गई। तो वो बातें बयान फरमाया कि इन मिन अशरातिस साअत, क़यामत की निशानियों में से एक तो यह है, अन युरफ़अल इल्म, चूँकि चैप्टर इल्म का है इसलिए पहली बात इल्म, कि इल्म उठ जाएगा, ये निशानी क़यामत की, इल्म उठ जाएगा। और इल्म उठने की तशरीह आपने कुछ यूँ फरमाई कि इल्म उठने का मतलब ये नहीं कि वो सीनों से उड़ता हुआ चला जाएगा, इल्म उठने का मतलब यह है कि वो सीने जिनमें इल्म समाया हुआ है वो सीने उठ जाएंगे और फिर दूसरे वैसे सीने नहीं आएंगे जो इतना इल्म समा सकें, तो वो सीने चले जाएंगे उस जन गए, फिर उसके बाद फिर उनके जैसे लोग आते नहीं जो हमारे पीछे चले गए हमसे पहले, आज दुनिया उनसे खाली। एक अजीब टैलेंट मैं जो तारीख पर देखता हूँ, आप हजरात भी माशाल्लाह बहुत से हजरात हैं, पढ़ते होंगे, पढ़े लिखे हैं, तारीख की पाकिस्तान बनने से पहले ही तकरीबन पिछली सदी का जो टैलेंट है आज उसका उशर अशीर भी नहीं है, जो हमें हिंदुस्तान में नज़र आता है, पाकिस्तान से कुछ पहले नज़र आता है, वो टैलेंट आज उसका किसी भी फील्ड में उसका उचित अशीर भी नहीं है, वो टैलेंट आ ही नहीं रहा। तो सच फरमाया पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि लोग चले जाएंगे फिर वैसे लोग मिलेंगे नहीं तुम्हें। और अब इस वक्त जो हैं लोग ये आज हमारे लिए गनीमत हैं, क्योंकि कल के लोग हमें भी इसी तरह याद करेंगे कि अब हमारे पास वैसे भी लोग नहीं बचे जैसे कल थे, जैसे आज हम अपने पिछलों को याद कर रहे हैं। तो वो भी जैसे पहले लोगों ने शायद उन लोगों की कदर नहीं की अपने ज़माने में से, आज की दुनिया में भी आज जो कुछ मौजूद है उसकी कदर नहीं हो रही, तो इसलिए जो कुछ मौजूद है उसकी कदर करनी चाहिए। आज अगर कोई टैलेंट है, कोई इल्म है, कोई फ़न है, कोई महारत है, तो उसकी कदर करनी चाहिए। तो फरमाया क़यामत की निशानी ये कि इल्म उठ जाएगा, वयुस बतल जहलो, जहल जो है ना वो कायम हो जाएगा, जहल बिल्कुल अपना खम ठोक लेगा, जहालत वो जाहिर सही बात है, इल्म का के बदले में फिर जहल ही हो सकता है, तो इल्म जब गया तो जहालत आ गया। तो जहालत इस वक्त आम हो रही है और ऐसी वैसी जहालत जनाब, हमने तो हद ही कर दी, हम अपने दायरे के अंदर अब ये कैफियत है कि लोग अपनी ज़ुबान, पहले तो बोलने में गलती करते थे, अब तो लिखने में भी आपकी ज़ुबान गायब होती जा रही है। पहले तलफ़ुज़ का ही मसला था, चलो कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, तो लिखने का जो जिसमें कि कोई चीज़ मिक्स होती नहीं है, एक आदमी है वो दूसरी ज़ुबान बोलता है, मादरी ज़ुबान दूसरी है उसकी, उसका लहजा नहीं है, तो चलो बोलने में वो मिक्स हो जाती है, लेकिन लिखने में तो आपको वही लिखना है ना जो है। अब तो लिखने में सीन शीन का फ़र्क, काफ काफ का फ़र्क, ता ता का फ़र्क, ऐसी उर्दू लिखी जा रही है, ये रोमन चक्कर में, रोमन उर्दू के चक्कर में बेड़ा गर्क हो गया, तो आपकी ज़ुबान ही जा रही है। लिखने वाले में तो हैरान हूँ कि लोग तबीयत तो से लिखी जाती है, तो से लिखते हैं लोग, अब जो तो से लिखे, कल को होगा क्या, ये उर्दू का क्या बनेगा हमारा, तो बहुत अजीबोगरीब सूरत हाल है। ये ज़ुबान हमारे हाथ से जा रही है, उसकी बड़ी वजह मालूम है क्या है, इसकी बड़ी वजह है एक तो अरबी से रिश्ता हमारा टूटा पहले, और फारसी से रिश्ता टूटा, कुछ फारसी रह गई थी वो भी गई, स्कूलों में थोड़ी बहुत थी वो ख़त्म, अरबी से पहले टूट गया उसके बाद फारसी भी गई। तो ये अरबी और फारसी यही तो दो ज़ुबानें हैं जिनके मिलाप से ज़्यादातर, वैसे तो और भी ज़ुबानें थी लेकिन दो बड़ी ज़ुबानें जो माँ बाप का दर्जा रखती हैं, इन्हीं के मेन मिलाप से उर्दू पैदा हुई है। इसमें उर्दू के अंदर आधा सरमाया अरबी का है तो आधा सरमाया फारसी का है, फिर कुछ थोड़ा बहुत जो है हिंदी विंदी और दूसरी ज़ुबानों का आ जाता है, तो बहुत बड़ा सरमाया है इसमें उर्दू में। तो अब लोगों ने वो अंग्रेज़ी से रिश्ता मजबूत इतना कर लिया कि उर्दू को बिल्कुल यतीम मिस्किन बना दिया है, हत्ता कि अब उसके हाथ पैर तोड़ने में हम मसरूफ हो चुके हैं। अब तो ये हाल है, अल्लाह ताला बस हमारी ज़ुबान कल्चर की हिफाजत फरमाए, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं हम तो करने रहे कुछ कोशिश। तो इसलिए स्कूलों में जो लोग स्कूल पढ़ा रहे हैं या चला रहे हैं, खुदा के वास्ते इन बच्चों को स्कूल ये उर्दू सिखाएं, अंग्रेज़ी के साथ साथ उर्दू, ये ए लेवल ओ लेवल के चक्कर में कम से कम एक उर्दू का भी कोई सिलसिला करें और इनको लिखना राइटिंग वगैरह ये सिखाएं, वरना आगे चल के बहुत परेशानी होगी और हमारा ये बहुत बड़ा लिटरेचर दीनी इल्मी ये सब बेकार हो जाएगा, इसके पढ़ने वाले नहीं रहेंगे। जैसे फारसी का पढ़ा हुआ है सब, अरबी का ख़जाना पढ़ा हुआ है, उससे इस्तेफादा करने वाले 1% से भी कम है।